होता कि सबसे पहले सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों तो दिल जेड़ा है ना, वो बड़ा नरम है। वो साडा वीक पॉइंट भी हैगा ते वधिया पॉइंट भी है। वो साडे वधिया पॉइंट साडे लई है और बाकी तो तुहानू पता ही है सारा उदां है। पर और गाने बनाते वक्त देखो कंपोजिशन जिहड़ी हुंदी है, कंपोजिशन आपां कदी कदी एकदम आ जाती है और कभी कभी कि थोड़ा टाइम लेके आती है ना। कि ये तो है नहीं कि अभी हमने सोचा तो ऐसा ही हो जाएगा, वैसा नहीं है, पर हमारा टाइम भी लगता है और प्रॉब्लम्स तो चलदियाँ रहनियाँ तो जिंदगी की है ना। कितना टाइम लगा ये गाना बनने में, प्लानिंग करने में पूरा, मतलब कितना कितना टाइम दिया? 6 महीने, 8 महीने, कैसा रहा जर्नी? प्लानिंग गाने प्लानिंग में भी आई वुड से स्ट्रॉन्ग 2 months एंड देन टू एक्सिक्यूट मे बी अबाउट 4 months। बट हम चाहते हैं कि यू नो गाना एकदम द बेस्ट वी कैन डू, बिकॉज गाना भी बहुत बड़ा है ना। इट्स वेरी नाइस एंड लाइक आई सेड मेंशन बिफोर, जो प्रोडक्शन टीम जिन्होंने प्रोडक्शन दी है टू द लिरिक्स टू द इवन द एक्टर्स इन द वीडियो, एवरीबॉडी हैज़ गेव देयर 100%, 110%। तो हमें भी फिर फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको भी एटलीस्ट 200% जो है बिफोर वी रिलीज वी गॉट टू मेक श्योर इट्स डन राइट, यू नो। और क्या उम्मीदें गाने से बीमर, क्योंकि सेल्फी आपका ऑलरेडी हिट हो चुका है कोलैबोरेशन में और कहा जा रहा है कि यू आर द ट्रेंड सेटर्स एंड यू नो हिप हॉप जो, हाँ इस गाने से क्या उम्मीद है? दो बीमर जो गाना है, उम्मीद तो ये है कि the people like it of course, you know, because hum obviously and at the end of the day un logon ko pasand aana chahiye jinke liye hum bana rahe hain, public ke liye, fans ke liye. But after Beamer we are definitely, as I mentioned before, working on a film and that's a project that will be definitely you know we'll probably elaborate on that in the next few months, you know. So okay paaji, jo movie hogi wo hindi mein hogi, punjabi thoda idea? Well, we're like you said, hum trend setters hain, toh yeah. Movie bhi trend setting hi hogi. Okay, it's going to be a mix of everything, and I'm trying to basically show the hip hop community in US and also here, and then we merge it together in a way where it's appealing to the crowd, and you know, and it's a family oriented, so it's nothing like, you know, only certain type of people can watch. Everybody can enjoy it, you know. So. Okay, and in near future, जो आपके next album या कुछ भी आने वाला है, apart from movie, तो वो हिंदी में रहेगा या पंजाबी में ही आप continue करेंगे? Mix रहेगा, mix रहेगा, you know, and क्योंकि एक हम वैसे भी नहीं कर सकते कि proper हिंदी, because you know उन्हें हिंदी चल ही नहीं रहा, and सानू कंपनी भी कहती है कि हिंदी चल ही नहीं रहा, हिंदी करके तुसी की करोगे? जब हमें गाने पंजाबी चाहिए, मूवीज में पंजाबी गाने आ रहे हैं अभी, है ना, हमारा सब मतलब पंजाबी ही, एक्चुअली अभी आज के टाइम में पंजाबी ही चल रहा है। सो हम फोकस अभी उसी में ही करेंगे, जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसी ट्रेंड में, आगे जगह चेंज होगा तो फिर उसमें आ जाएंगे, क्योंकि वही चीज़ है कि जो चल रहा है वही है मेन, यू नो। ओके, तो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मोस्टली ये यूट्यूब पे ही लॉन्च होने वाला है शायद? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऑल ओवर, यू नो, पीटीसी पंजाबी, पीटीसी चक दे, MH1, 9 एक्सटेंशन, पटारा और जिन्ने भी पंजाब दे चैनल आ सारे ते साडा गाना आंदा, और बहुत लाइक साडा एक्सक्लूसिव मे बी MH1 आ रहा, MH1 आ रहा और मे बी 9 एक्सटेंशन आ रहा, दोनों विचों एक जिहड़ा सानू जल्दी मिलेगा बिकॉज सानू जल्दी गाना कढ़ना हुण। Amazon पे साडा गाना जो भी हमारे जितने भी गाने आए हैं वो सारे Amazon पे आए हैं, और जितने भी Gaana.com साडा एक गाना हैगा सी, ओ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀ Gaana.com ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 million ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। Independent artists do what they fulfill their dreams basically, minus
you know, having to do everything else. So, which is great. It's great. But the thing is, jo ek cheez jo nikal jaye, jo achhi nikalti hai, uske baad you have to keep coming. Kyunki, like I said, independent artists to help kar rahe hain. But independent artists bhi bahut hain. So, agar aapki cheez ko chal rahi hai, you have to do it in a certain way. If not, then you'll be forgotten and somebody else comes and takes part. Very fast, you know. Right. So, Sartaj bhai, jaise aap gaate hain aur Sandhu bhai rap karte hain, तो दोनों से सवाल है, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब आपको कौन सा सिंगर पसंद है पंजाबी में या हिंदी बॉलीवुड में, और आपका फेवरेट रैपर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप दोनों के लिए, तो वन बाय वन. फॉर सिंगर, फॉर मी आई वुड से, मैं तो एक्चुअली आई ग्रू अप ऑन एवरीबॉडी ओल्ड स्कूल. ओल्ड स्कूल मीनिंग गुरदास मान हो गए जी, हो गए अपना मलकी सिंह जी, हो गए, आई मीन दीज आर ऑल माई बिगेस्ट यू नो inspirations, you know. And nay singers are both, there are a lot of them. You know, you got Amy Virk is there, you know, Diljit Dosanjh, he's there, you know, and those are the pioneers of the new age that's giving us an opportunity to do what we can do today, you know. So I appreciate that. Mere liye tan dekho rap tan dekho hun har banda kehnda ki yaar mere to vadhiya te koi nahi karda hoga, hai na, te main bhi wahi keh reha hun, par यू नो सारे ही वधिया अपनी जगह, सारे वधिया जिन्हें भी रैपर्स हैगे आ साडे इंडियन रैपर्स जिहड़े हैगे आ सारे सारे बहुत अच्छे आ, अपने अपने लैवल ते सारे अपना काम कर रहे आ. ते ओही है कि कोई इत्थे कॉम्पीटिशन वाली भी गल नहीं हैगी, यू नो एक बंदा जांदा ते दूजा बंदा टेक ओवर कर लैंदा, ते क्योंकि जिहड़ा बॉलीवुड आ इत्थे तां चीज़ां चाहीदियां, जिहड़ी चीज़ तुसीं अच्छी लैके जाओगे ओह लै लैंदे आ, ते ओ गल हैगी. बाकी फैन तो मैं अपना ही हाँ, मैं किसी फैन नहीं है, पर जो सिंगरस की हूँ गल करांगे तो वड्डे वड्डे जिहड़े हैगे आ सारे दा मैं सत्कार ही है उन्होंने, है ना, गुरदास मान जी हो गए, ऑफकोर्स है ना, इन्होंने दस्या ना गुरदास मान जी हो गए, हंसराज हंस जी हो गए, सारे मतलब बहुत मैं लाइक हंस भाई नाल तो मैं बैठा भी हैगा बहुत, है ना, तो बहुत प्यार भी रहा उन्होंने नाल, तो हैगा भी है, तो बहुत मतलब वो गायक ने मेन मेन, यू नो, गुरदास मान जी, हंसराज हंस, सदूर सिकंदर जी, और बहुत मतलब लाइक बिंदरखिया जिहड़े हुण साडे विच नहीं हैगे, बट ही इज लाइक अगर वो हुंदे ते अज मेरे ख्याल नाल टेक ओवर कीता हुंदा बॉलीवुड नूं. आपने कंपटीशन की बात करी और बेसिकली आप रैपर हैं, तो अभी रिसेंटली हम देखें तो कई मतलब रैपर ऐसे हैं जो आपस में, नाम ही लेना चाहूंगा, जो आपस में बैटल करते हैं और थोड़ा सा एक अलग जोन में चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को भी पसंद आ रहा है, बट इट्स नॉट अ हेल्दी और हेल्दी, आई डोंट नो, यू आर द यू नो मेन पर्सन टू जज दैट थिंग. देखो इन्हों के ना जो जो जिनका भी आप नाम लेना चाहते हो, मेरे को पता, मैं समझ गया ज्यादा नाम लेना चाहते हो, पर एक गल है कि ये ना क्या करते हैं कि किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, ये कैसे बढ़ रहा है भाई आगे, यह था मेरे थल्ले सी पहले, है ना, ये तो मेरे नीचे था, मेरे नीचे काम कर रहा था, ये मेरे नीचे गा रहा था, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ बहुत चलता है. तो आपस में वो उसके लिए गाना निकालता, वो उसके लिए गाना निकालता, बस यही चीज़ें में लगे रहते हैं, जो उसकी मार्केटिंग है, जो उसके मार्केटिंग, जो उसके फैंस हैं वो खुश होते हैं, वो जो उसके फैंस हैं वो खुश होते हैं, यू नो, ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और इसके लिए भी बहुत सारी इनको टाइम चाहिए होता है, ये करते हैं तो वो चीजें कर रहे हैं, अभी देखो इनकी आपसी का प्रॉब्लम है, कर दे रहे हैं, है ना, ड्रामा जो है फिर वो तो चलता रहेगा ना, साढ़े हथे भी सीरियल चलते हैं, सीरियल है, ड्रामा और सीरियल से अगर बात की है तो बिग बॉस आजकल बहुत चल रहा है, लड़ाई और ये सब हो रही है, फॉलो कर रहे हैं? मैं फॉलो कर रहा हूं, मतलब फेवरेट है, फॉलो कर रहा, देखो जदों जदों टाइम लग जाता तो अच्छा लगता है ना देखना, है ना, साढ़े पंजाब के भी बंदे है, सॉरी कुड़ियां है, जिवें श्रीनाज गिल हो गई, हिमांशु खुराना जिन्हें एंट्री लीती है हुण, है ना, पर ठीक है, स्वाद लै रहे हैं, है ना, सलमान सर नूं तंग कर रहे हैं, होर तो कुछ नहीं कर रहे, बस वही है, बिग बॉस बोलते पे आ ते सुनते है नहीं है, है ना, वो भी है, दैट्स आल्सो यू नो स्ट्रेटजी, यू नो, क्योंकि एक्चुअली जो रैपर्स की जो यहाँ पर आप बात की है कि आपस में जो ऊंच नीच होती है, जो भी बातें होती हैं, दिस इज अ ओल्ड स्ट्रेटजी फ्रॉम द हिप हॉप कल्चर इन US. वहाँ पर भी जो अलग दिशाओं में जो लोग रहते हैं, कोई वेस्ट साइड में है, कोई ईस्ट साइड में है, वो आपस में ऐसे करते हैं ताकि फैन बेस बढ़ता है, चाहे वो क्लब में पार्टियां कर रहे हो दोनों मिलके बैठ के, नो प्रॉब्लम, लेकिन टीवी पे, स्क्रीन पे, म्यूजिक में ऑलवेज डिफरेंसेस रहेंगे, ताकि वो दे कीप पीपल इंट्रीग्ड इनटू, बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल सीक्रेट ऑफ द बिजनेस, यू नो, एक जो होती है ना टीम, जो होती है वो साथ में होनी बहुत जरूरी है. मैं अभी नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों की अभी टीम टूट गई है, वो पता ही नहीं कहाँ है, और वो कहाँ है जो जिन्होंने इतने सारे हिट दे दिए गाने, पता ही नहीं कहाँ है, बिकॉज क्यों, क्योंकि टीम टूट गई, बीच में बंदे के आने से उनकी टीम टूट गई,
तो किसका लॉस हुआ? बीच वाले का तो कुछ नहीं गया, इनका लॉस हुआ, इनका लॉस हुआ. And people take advantage of you, you know. तो वो चीज़ है. तो you have to move a certain way, be a certain way, especially in the entertainment business. Yeah. Right.